नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय हमीरपुर में सहकारिता सदस्य अभियान कार्यशाला की बैठक संपन्न हुई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता चक्रपाल त्रिपाठी ने की तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुरुषोत्तम पांडे प्रदेश सह संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ भी रहे। इस सदस्यता अभियान में उपस्थित सभी अध्यक्षों, डायरेक्टरों एवं सदस्यों के लिए कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएं, जो कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजकिशोर गुप्ता एवं किशन व्यास के अलावा भाजपा के पदाधिकारी रामदेव सिंह, शिव प्रकाश सिंह, राजेश सिंह, सुरेंद्र तिवारी, अरविंद श्रीवास्तव, लक्ष्मी रतन साहू, रोहित तिवारी, पुष्पराज सोनी, राजू तिवारी, पवन सिंह, चेतन सिंह भी उपस्थित रहे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अरविंद श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। मेरा मानना है कि 2000 तक या मैं कहूँ 96-97 तक सहकारिता में रुचि नहीं ले रही थी और जो कब्जा था तो वो समाजवादी पार्टी का था। पैक्स से लेकर पैक्स तक ऊपर जहां तक केंद्रीय समितियों तक नहीं, सब जगह समाजवादी पार्टी का कब्जा था। और आपको एक बार स्मरण दिलाऊं कि जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुलायम सिंह भी उस घटक में समाजवादी पार्टी के नाते कहिए या राजनारायण जी के साथ थे, वो सबसे मजबूत दावेदार थे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में और उन्होंने सहकारिता विभाग को माफ कर दिया था। इसलिए सपा के लोग मुलायम सिंह जी, शिवपाल जी सहकारिता को समझ चुके थे और सहकारिता के माध्यम से क्या किया जा सकता है प्रदेश में इसको वो जान चुके थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तक उत्तर प्रदेश में सहकारिता में समाजवादी पार्टी और बसपा का कब्जा रहा। पिछली बार जब अभी ब्रजकिशोर जी चर्चा कर रहे थे, पिछली बार जब चुनाव हुए सहकारिता के, तब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ताकत के साथ पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने का मन बनाया। पैक्स से लेकर ऊपर तक हर जगह अपने प्रतिनिधि पहुंचाने का प्रयास किया, अपने डेलीगेट पहुंचाकर उस कमेटी पे, उस समिति में या उस प्रदेश की इकाई में, प्रदेश के दायित्व के निर्धारण में भागीदार बनने का प्रयास किया। बहुत हद तक सफलता मिली उत्तर प्रदेश के, लेकिन पीसी अध्यक्ष का अभी मुझे बता रहे हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ, उसका चुनाव नहीं करा पाए। उसमें शिवपाल जी का बेटा आदित्य 10 साल से लगातार चेयरमैन थे और अभी पिछले साल चुनाव हुआ, लेकिन बाकी लैंडफेड में, यूपीसीबी में, सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रतिनिधि प्रकार। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।